फ्रेंड्स, फ्रूटी फटाफट आइडियाज चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ ममता। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ज्यादा टेस्टी है, मीठी है, यानी मीठा व्यंजन है। इसे सेंघल कहते हैं। उत्तराखंड के इलाके में, पूरे में, पहाड़ी एरिया में ये बहुत ज्यादा बनाया जाता है। ज्यादातर ये सर्दियों में और बरसात के मौसम में बना के खाया जाता है, और मेहमानों के लिए तो ये जरूर बनता है वहां पे घरों में। तो आज हम बना रहे हैं सेंघल। इसके लिए केले और दही और सूजी का इस्तेमाल होता है। अगर आपको केले पहाड़ी मिल जाए इसमें डालने के लिए तो क्या कहने। चलो, अगर पहाड़ी केले नहीं भी मिल पाते हैं तो आपके लोकल एरिया में जो भी केले मिल जाए वो आप डालें। तो चलिए शुरू करते हैं सेंघल की रेसिपी। तो सेंघल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी कटोरी सूजी ली है। अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो इसे डबल कर दीजिए, दो कटोरी कर दीजिए। और जितनी मैंने सूजी लिया उतना ही मैंने पिसी हुई चीनी यहाँ पे ले रही हूँ। अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। अगर आप तेज खाते हैं तो सूजी के बराबर आप इसमें चीनी डालिए। और एक पका हुआ केला चाहिए, इसे छील के हमने इसका पल्प निकाल लिया है, वो भी इसके अंदर जाएगा। और उससे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ दो बड़े चम्मच ये घी है। कोई भी घी आप ले सकते हैं, देसी हो या वनस्पति हो। और दो तीन हरी इलायची को मैंने पीसा हुआ ये भी इसी में डाल दिया हमने। और अब हम इसमें डाल रहे हैं केले का पल्प। केला इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है डालना। और ये सब चीजें हमने डाली हैं, घी इसमें डाला है। अगर हो सके तो आप इसे हाथ से करें तो ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो भी इसमें हमने घी मोन यानी डाला है वो मोन का काम करेगा। उसे हाथ से अच्छी तरह से मैश करना है। ये विस्क से अच्छी तरह से देखिए हो नहीं पा रहा है, तो अब हम इसे हाथ से ही अच्छी तरह से जो हमें इसका चाहिए, हाथ से ही हमने इसमें जो जितना भी सामान सारा डाला है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये काफी ज्यादा हार्ड है, थोड़ा इससे लूज हमें चाहिए। तो इसमें दही भी एक मेन इंग्रेडिएंट है, वो भी इसमें जरूर डालेगा। थोड़ा थोड़ा सा देख के हमें डालना है जितना जरूरत होता है। अगर आपके पास दही कम है या आप दही कम डालना चाहते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा दूध भी यूज कर सकते हैं। मैं इसमें दही ज्यादा डाल रही हूँ इसलिए दूध का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। सर्दियों में उत्तराखंड में के इलाके में पहाड़ों में काफी ज्यादा बनता है। घर पे कोई मेहमान हो या कुछ भी, उनका कोई खास कोई मौका आता है कुछ पकवान बनाने का तो सेंघल जरूर बनाया जाता है। थोड़ा सा दही इसमें और डाल रहा है। तो अभी हम इसे मिक्स करके इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जितना भी इसमें केले का पल्प है, दही है, घी है, वो सब सूजी सोख कर ले। और बाद में हम इसे फिर से चेक करेंगे इसमें और दूध या दही डालने की हमें जरूरत पड़ेगी या नहीं। ये देखिए, इसका टेक्सचर ऐसे सॉफ्ट सा होना चाहिए। तो अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढक के रख देते हैं। देख लेते हैं, हमने जो सिंगल के लिए मिक्सचर रखा था आधे घंटे के लिए, देख लेते हैं सूजी फूल गई है कैसा रहेगा, उसमें और मिक्स करना पड़ेगा कुछ या नहीं। थोड़ा सा ये हार्ड है, आप इसमें दही या दूध या पानी जो भी आपको अच्छा लगे वो डालो जो आपके पास हो। मैं इसमें डाल रही हूँ दही। तो थोड़ा सा दही डाल के फिर से इसे मिक्स कर लेते हैं। लीजिए, अच्छी तरह से मिक्स हो गई है दही इसमें, और इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं। ये देखिए इस तरह से ये आराम से गिर रहा है, बस रेडी है। सिंगल जब फ्राई किए जाते हैं, डीप फ्राई होते हैं तेल में, तो उसके लिए उसे हाथ से भी उसके शेप दी जाती है। और मैं उसके लिए एक छोटा सा पॉलीथीन ले रही हूँ। आप कोई भी दूध का पैकेट हो खाली हुआ वो भी आप ले सकते हैं। इसे मैंने ग्लास में रखा, इसके कॉर्नर में अब हम ये बैटर डालेंगे।
तो इस पैक में थोड़ा सा मिक्सचर हमने डाल लिया है, तो यहाँ पे आप इसे रबड़ थोड़ा सा छोटा सा कोई रबड़ बैंड डाल सकते हैं, लेकिन या फिर ऐसे आप इसे ऊपर से इस तरह से फोल्ड कर ले। और अब इसे यहां से काटना है, थोड़ा सा मोटा रख के काटना है, ज्यादा बारीक नहीं काट। तो यहां से हम इसे इतना मोटा रख रहे हैं, बस इस तरह से ये ऐसे निकाल के देख लें, बस इतना ही मोटा हमें ये चाहिए, काफी है। तो सिंगल को हमने फ्राई करना है डीप फ्राई, तो उसके लिए मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। उत्तराखंड में कोई भी व्यंजन बनाया जाता है, खास करके हमारे जो सेंगल है, तो उसे सरसों के तेल में डीप फ्राई किया जाता है। अगर आप किसी और तेल को पसंद करते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल, तो आप उसे यूज में लाएं। कढ़ाई हमारी काफी तेज गर्म हो चुकी है, मस्टर्ड ऑयल काफी गर्म है। इसे चेक करने के लिए हम थोड़ा सा ऐसे मटेरियल डाल के देखते हैं। थोड़ा सा इसमें डाल के चेक कर लेते हैं। जी हाँ, तेल काफी तेज गर्म हो चुका है। ये देखिए, थोड़ा सा हमने मटेरियल डिश में डाला था तो ये ऊपर आ चुका है। तो तेल हमारा रेडी है, तेल गर्म हो जाने के बाद उसे मीडियम फ्लेम पे करना है गैस को। और ये देखिए, हम इसमें इसे आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो जलने नहीं देना, इसे थोड़ा सा हिलाएंगे और फिर इसे पलट देना है। देखिए, हमने इसे पलट दिया, कलर चेंज हो गया है, फ्राई हो गए हैं एक तरफ से। देखिए, हमारी सिंगल का कलर सभी साइड से चेंज हो चुका है, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल रहे हैं। अगर इस तरह से शेप बनाना आपको मुश्किल लगता है तो नो प्रॉब्लम, आप इसे इस तरह से डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं, स्पून से या हाथ से थोड़ा थोड़ा करके उसे तेल में छोड़ें, तो इसका भी स्वाद में कोई फर्क नहीं आएगा, ये भी उतने ही टेस्टी बनेंगे। ये सिंगल सेहत से भरपूर हैं, बच्चों के लिए, सबके लिए। इसमें दही है, केला है, सूजी, तो सभी चीजें सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, जरूर बनाइए। तो लीजिए दोस्तों, हमारे गर्मा गर्म सिंगल बनके तैयार हैं। गढ़वाल की लोकल लैंग्वेज में इसे सेल भी कहा जाता है। मेरी मानिए, आप इसे एक बार बना के जरूर खाएं और सबको खिलाएं, बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। बहुत सालों पहले मैंने अपनी फ्रेंड के हाथों से बने हुए ये खाए थे। वो उत्तराखंड के हल्द्वानी की रहने वाली थी, तो उन्होंने मुझे इसकी रेसिपी बताई थी और बना के खिलाए थे। बहुत ज्यादा मुझे टेस्टी लगे थे और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। आप जरूर बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।